बढ़िया है। मैं 10वें साल में यहाँ कचौड़ी खा रहा हूँ, टेस्ट एक ही है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के मामले में एक नंबर अलीगढ़ में। अलीगढ़ में अंकल जी कैसा टेस्ट लगता है आपको? बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, वन नंबर वन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार टेस्ट है भैया। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अलीगढ़ शहर की एक और लोकेशन पर जहाँ की कचौड़ियाँ पूरे अलीगढ़ शहर में काफ़ी फेमस है। तो बारिश का मौसम हो रहा भाई, तो सुबह सुबह नाश्ते में कचौड़ियाँ मिल जाए तो क्या कहने भाई। तो इनकी कचौड़ियाँ पूरे अलीगढ़ शहर में काफ़ी फेमस है भाई, तो चली चलते हैं भैया से बात करते हैं। सज्जन सज्जन तो भैया कितने साल से पानी चौक अपनी ये करीब 23 साल हो गए। 23 साल हो गए, क्या बात। तो आप शुरू से कचौड़ी बनाते हो? और टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सुबह 6:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। और रेट क्या भैया अपनी? 40 रुपये की दो। 40 रुपये की दो कचौड़ी। हमने काफ़ी जगह नाम सुना आपका, तो क्या बनाते हो कचौड़ी में? कचौड़ी में आटा होता है ये, और इसमें होती है दाल, होती है दाल रहती है, और आलू छोले की सब्जी। ये आलू छोले सब्जी है ना, ये बर्फ वाला रहता। तो भाई ये देखिए इनकी आलू छोले की सब्जी, संगत की सब्जी की बेहतरीन, लाजवाब, मसालों से भरपूर। तो ये सारे तीन तरह की सब्जी यहाँ पर यूज करते हैं भैया, और ये है इनका रायता बूंदी वाला ठंडा ठंडा, और ये सब्जी ये तेल मसाले वाली कौन सी भैया? कम मसाले की है, एक कम मसाले वाली सब्जी। ये कौन सी मसाले की है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अदरक के टुकड़े डाले हुए हैं और मिर्ची धनिया, क्या बात है भाई। तो आलू की रहती भी है ये? आलू की रहती है सब्जी? आलू मसाले। देखिए भाई कितना सारा रस है यहाँ पर कचौड़ी खाने के लिए। चौड़ाए पर फेमस है यहाँ पर ये। देखिए यहाँ पर कचौड़ियाँ यहाँ पर बेली आ रही है। अंदर स्टफिंग किसकी रहती है भैया? ये दाल होती है, दाल रहती है ना, दाल देखिए। अरे छोड़, हाँ इधर से होता रहे हैं ये, छोड़ देंगे यार बस यार। तो भाई ये कचौड़ी यहाँ पर सिकने को रेडी है यहाँ पर, और सिकने के डालते हैं यहाँ ये। दो बार क्यों सेकते हैं कचौड़ियों को सर? दो बार सेकने का मतलब ये है कचौड़ी वो सारी आएगी और सही आएगी, सही आएगी। करारा बना हुआ कचौड़ी को डबल वैरायटी आता है। जाम में रहने, जाम में सर दबाने के लिए इसकी जो पापड़ी है वो फूल जाएगी कचौड़ी, और जो दबाने से करारापन आएगा इसको। अच्छा, तो मालिक सामने नाम ही कमाया, पैसा नहीं कमाया, खाने में क्वालिटी देंगे नंबर एक की, नंबर एक की क्वालिटी दोगे आप? हां मैं जी क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी के अलावा कुछ नहीं आया। कितनी क्वांटिटी यहां पर सीखी जा रही है ये देखिए भाई। तो एक बार में कितनी कचौड़ी आती है इसमें? इसमें सर 100 से 150 भाई कचौड़ी आ जाती है हमारे, एक बार में 100 से 150 कचौड़ियां। हां जी सर। तो भाई ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ पर सिक चुकी हैं, ये देखिए भाई कचौड़ियाँ सिर्फ पूरे अलीगढ़ शहर में भाई, उनके कचौड़ियों का अंदाज है निराला भाई, ये देखिए कचौड़ियाँ 100 से 150 कचौड़ियाँ एक बार में यहाँ पर सेकी जाती हैं, ये देखिए भाई बहुत बढ़िया। पूरा खाना चुका भाई, 100 से 150 कचौड़ी आई है एक बार में, लगवाते अपने लिए एक प्लेट यहाँ पर। तो भाई ये आ गई सुरेश भाई की स्पेशल कचौड़ियाँ, ये देखिए भाई लेता हूँ अपनी बैट में सूखे सब्जी, ये छोले की सब्जी, सब्जी सच में काफ़ी लाजवाब है। जो छोले सब्जी है वो अलीगढ़ शहर में काफ़ी फेमस है, तो हमें तो काफ़ी पसंद आई, और जो आलू छोली सब्जी है वो भी सच में काफ़ी लाजवाब है। मैं तो अपनी एक और बाइट लेता हूँ, ये देखिए भाई आप सच में अच्छा नाश्ता खाना चाहते हो तो अलीगढ़ शहर में तो सुरेश भाई के पास आइए, सुरेश कचौड़ी सेंटर काफ़ी फेमस शॉप है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, तब तक अपनी कचौड़ी का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये रेलवे रोड है, अप्सरा हॉल, अप्सरा हॉल, अप्सरा सिनेमा है।